ओलंपिक में मारिया लेक एक्वेटिक सेंटर के स्विमिंग पूल का पानी एक रात में हरा हो गया। पूल के पानी का रंग बदलना आयोजकों के लिए ये पहली बार हुआ है। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर पानी का रंग कैसे बदल गया। सोमवार शाम को ग्रेट ब्रिटेन के टॉम डेली और डेन गुडफेलो ने पुरुषों के 10 मीटर सिंको फाइनल में ब्रॉन्ज मेडल जीता। तब डाइविंग पूल के पानी का रंग साफ था, लेकिन महिलाओं के इवेंट के मौके पर पानी का रंग बदला हुआ था, वो हरा हो चुका था। साथ ही मौजूद वाटर पोलो के पूल के पानी को देखते हुए ये बदलाव साफ तौर पर महसूस किया जा सकता था। इसके पीछे कई कारणों की थ्योरी चल रही है, इसमें इन्फेक्शन या फिर रियो डी जेनेरो की गर्मी भी शामिल हो सकती है। ओलंपिक डाइविंग ऑर्गेनाइजर्स ने रातों रात पानी का रंग बदल जाने की घटना की जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने ये भी साफ किया कि जांच में ये बात भी साफ हुई कि ये पानी डाइव लगाने के लिए सुरक्षित है। आयोजकों ने एक बयान जारी कर कहा कि रियो 2016 के आयोजकों के लिए खेल के लिए उच्च स्तरीय वातावरण तैयार करना बेहद जरूरी है। जांच में पानी सुरक्षित पाया गया है। हम इस बात की जांच कर रहे हैं कि आखिर ये किस कारण से हुआ। आपको बता दें कि पूल के पानी का इस तरह से रंग बदलना शुरुआती तौर पर किसी साजिश का एक हिस्सा भी समझा जा रहा था। NMF न्यूज की रिपोर्ट।